बात है। बिहार में नई नवेली एनडीए वाली नीतीश सरकार की सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश सरकार ने जिन 4 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई उनमें से 2 मामले संसदीय कार्य से जुड़े हुए थे, जबकि वित्त विभाग से 2 एजेंडे इनमें शामिल थे। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार ने रविवार को ही सत्ता संभाल ली थी। सोमवार को एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए सरकार ने कुल 4 एजेंडों को मंजूरी दी है। इन एजेंडों में संसदीय कार्य से 2 और वित्त विभाग से 2 एजेंडे थे। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुसार ही राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। हमारे सशक्त नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे कि जनादेश सुशासन के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए है और इसको हमको मजबूत करना है। विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी, ये वातावरण बनाना है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन की कार्यवाही बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। बिहार में बजट सत्र की तारीख को फेर बदल कर इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस बीच बिहार में एनडीए के विधायकों ने निवर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध विधानसभा के सचिव को नोटिस दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता है और अवध बिहारी चौधरी को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुमत है, जब एनडीए एक हो गया तो ऑब्वियसली हमारा बहुमत है और बहुमत के आधार पर स्पीकर रहते हैं। और अवध बिहारी चौधरी जी बड़े सुलझे हुए पुराने राजनेता हैं, उनको तो स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी कहा है कि राज्य में अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों के कल्याण और विकास का काम भी अब तेज रफ्तार से होगा। बिहार नई ऊर्जा के साथ, नई संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। आज जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों का तांडव बिहार में हो रहा था, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था, काम बाधित था, विकास बाधित था। कुल मिलाकर बिहार में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी अब पूरे जोर शोर से पीएम मोदी के विकास के विजन को राज्य में लागू करने की बात कह रही है। पटना से कुमार आलोक और सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहले ममता बनर्जी और फिर